नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। मैं माफी चाहूंगा, ये जो आज का जो एपिसोड था इसका पूरा डिटेल रिव्यू तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे अर्जेंट किसी काम से निकलना है थोड़ी देर में। ज्यादा से ज्यादा मैं यही बोल सकता हूँ इस एपिसोड के बारे में कि इस एपिसोड में हमने देख लिया कि चैनल के दामाद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है चैनल। ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला कल को किसी का मर्डर भी कर देगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 वीक की सजा ही मिलेगी नॉमिनेशन की, उससे ज्यादा उसे कुछ और नहीं मिलेगा। और संचालक जो कि घटिया अव्वल नंबर का संचालक है, क्या नाम है इसका, टक्कू छाबड़ा, पिछले वीक L3 L4 का नाटक करके ड्रामा करके डेबोलिना को बेड रेस्ट के बहाने भेजा गया तो माहिरा और पारस को बचा लिया गया। यहां आपने देखा इस एपिसोड में अव्वल नंबर का घटिया संचालन करने का इनाम मिला है टक्कू छाबड़ा को, जहां पर कि उसको अपनी उंगली के ट्रीटमेंट की सर्जरी के लिए घर से बाहर भेज दिया। ना सिर्फ बाहर भेजा बल्कि नॉमिनेटेड जो कंटेस्टेंट है उनकी लिस्ट से नाम भी हटा लिया। मतलब बिग बॉस का इससे बड़ा बायस्ड और बकवास और वन साइडेड बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज जब नॉमिनेट हुए थे ट्यूजडे को, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आपने वोटिंग लाइन बंद रखी, ठीक है। अब आप ज्ञान दे रहे हो कि चूंकि टक्कू छाबड़ा इस खेल का हिस्सा नहीं रहेंगे तो पब्लिक का वोट करना भी बेमानी होगा। अरे 3 दिनों से तो वोटिंग लाइन बंद रखी, उसके बाद सडनली वोटिंग लाइन चालू कर रहे हो, ये कुछ और नहीं है। हिमांशु को निकालना है, पारस को किसी न किसी तरह से बचाना है, सिद्धार्थ शुक्ला को भी बचाना है। भरपूर तरीके से इस एपिसोड के अंदर बायस्ड वन साइडेड बिहेवियर चैनल का आपने देखा जबरदस्त तरीके से। कल के एपिसोड में हमने देखा था जब शुक्ला आसिम एंड वो सना प्लेटफॉर्म पर थे, बिग बॉस ने खुद ने कहा था कि कोई एक ही बंदा प्लेटफॉर्म पर रह सकता है। आज आपने देखा जब शेफाली जरीवाला अकेली प्लेटफॉर्म पर थी, टक्कू छावड़ा ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर आपने तो देख लिया भयंकर लेवल का चीटिंग की है। स्पोर्ट्स में स्पिरिट उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, हर टास्क को रद्द कराने की वो प्लान करता है और उसका ये प्लान यहां भी वही रहा। लेकिन ठीक रहा किस पर फोड़ा, आसिम पर, अरहान पर और रश्मि पर। एक चीज और आपने देखी कि आरती के अंडरगार्मेंट्स का और कैरेक्टर के ऊपर पारस ने इतना कुछ बोला था लास्ट वीक, तब शुक्ला के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी और आरती को एंग्जायटी का अटैक आया था, पैनिक अटैक हुआ था। आज आपने देखा आरती ने खुलकर बोला भी नहीं कि मेरी उंगली टूट गई या खींच दी इसने आसिम ने, शुक्ला बीच में चढ़ पड़ा था बड़ा बड़ा बाप बनकर। क्लियर एग्जाम्पल है आपके सामने कि शुक्ला पारस से डरता है या चेला है। पारस आरती को कुछ बोलता है मैं क्या बोलूं, तुम्हारा मैटर है, लेकिन यहां पर वो आसिम के ऊपर चढ़ पड़ा था। साथ ही साथ आपने इस एपिसोड में एक चीज और देखी जो हमें शायद वीकेंड पर दिखाई नहीं गई थी, जिस वीक आसिम और शुक्ला का काफी मचमच हुआ था। जैसे ही बिग बॉस ने अनाउंस किया 2 वीक की पनिशमेंट नॉमिनेशन की, शुक्ला के गुर्दे चल गए और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक डर के भाव आए थे कि यार सलमान सर वीकेंड पर वाट लगाएंगे। मतलब कहने का यह है कि उसकी वाट शायद सलमान खान एक बार लगा चुके हैं, जिस वजह से शुक्ला इतना डर गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसने गलत किया है और वो बोल भी रहा था। कल मुझे कई विद्वानों ने बोला कि नहीं आसिम ने लपड़ मारा था शुक्ला को, इसलिए आसिम को पुश किया शुक्ला ने। शुक्ला इतनी बातें कर रहा है कि आसिम मुंह पर आता है, प्रोवोक करता है, कितना सुनूं बर्दाश्त करूं, थप्पड़ का तो जिक्र तक नहीं किया शुक्ला ने। मतलब शुक्ला के ब्लाइंड फ्रेंड्स उसके बचाव में डिफेंस में बकवास करते रहेंगे, खुद शुक्ला को नहीं पता कि उसको थप्पड़ पड़ गया, बोलो भाई। So, ये जो एपिसोड था ये पूरी तरह से ये वन साइडेड चीटिंग से भरपूर, यही टीम के लोग शेफाली को बोल रहे थे बायस्ड संचालक। आज खुद उन्हीं लोगों ने बायस्ड चीटिंग और घटिया संचालन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे घटिया संचालक को सजा देने के बजाय मजा दे दिया है बिग बॉस ने, 1-2 दिन की छुट्टी दे दी, बाहर जाएगा, गर्लफ्रेंड से मिलेगा, टैटू दिखाएगा, बात करेगा कि नहीं 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 मैंने तो ऐसे ही बोल दिया शो के लिए, मेरा कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ, मैं तो तेरा ही हुआ, बकवास तरह की बाहर पूरी प्लानिंग करके सारे क्लिप्स देख के आ जाएगा, फीडबैक लेके आ जाएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसको बचा लिया गया है। पिछले वीक भी बॉटम टू में थे फिर भी बचा लिया डेवोलिना के बलि का बकरा बना करके, एक एक तरीके से सेव किया गया। आज भी वही है, तीन दिनों तक वोटिंग लाइन बंद रखी और पब्लिक को चूतिया बना रहा है बिग बॉस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला जा सकता। चूतिया यहाँ पर शुक्ला भी बन रहा है, शुक्ला है सना के पीछे, सना ने आज अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी, एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसको पारस से प्यार है। तो यहाँ पर किक मूवी चल रही है, शुक्ला है सना के पीछे, सना है पारस के पीछे, उसी तरह आरती है शुक्ला के पीछे, शुक्ला है सना के पीछे, टू मच फन। सना से क्लैरिफिकेशन कर रहा है शुक्ला की मैं अकेला पड़ गया हूं, बताओ
सिंपत्ति लेने की निंजा टेक्निक भाई, सिंपत्ति तब मिलती है जब तुम नेचुरली तुम अकेले पड़ गए हो, तुम तो एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, पूरी दुनिया से पंगा ले रहे हो जानबूझ करके, और बोल रहे मैं तो बीमार हूं, बीमारी में कौन इतना पुश करता भाई है, मैं अकेला पड़ गया हूं अकेला। ये तो वही बात हो गई कि कोई लड़का फेसबुक पर टैग करे कि आई एम एंजॉइंग माई वेकेशन विद टॉमी एंड 26 अदर्स, सना इसके साथ है, मायरा इसके साथ है, पारस इसके साथ है, आरती इसके साथ है, बट ये बोले मैं तो अकेला हूं, मेरे लिए गेम टफ होगा। वाह गजब है गजब है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि भाव ने, विशाल ने प्रॉपर स्टैंड लिया शेफाली बग्गा, मायरा भी कहीं ना कहीं सच बोल ही रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पारस ने उसको सच बोलने से मना कर दिया। भाव ने बढ़िया तरीके से और विशाल ने बढ़िया तरीके से बोलती बंद की सिद्धार्थ शुक्ला की। अच्छा लगा देखकर कि गलत चीज के खिलाफ सब लोग स्टैंड ले रहे हैं। विशाल जिसको मैं फट्टू चंद फटोलिया बोलता था, उसने बहुत बिंदास तरीके से, और भाव ने आज दिखाया अपना असली रूप, ये रूप कहाँ छुपा के रखा था, शुक्ला की बोलती बंद कर दी। अब शुक्ला भले ही विक्टिम कार्ड खेले, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो चुका, वो खुद हिंसा करता है, वायलेंस करता है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बोलता पैरों में पड़ी रहती, जबकि खुद तो शुक्ला सना के पीछे पूंछ बन के घूमता रहता है, जिधर जिधर जाती है उसको दूसरों में बहुत दिखता है कि पैरों में पड़े रहते हैं, पड़ी रहती है। चलिए डिटेल में मैं बात करूंगा कल दोपहर में, शायद अभी मुझे निकलना पड़ेगा अर्जेंट काम से, तो मैं कल आपसे अपने मिनी वीकेंड के बारे में कुछ बातें करूंगा डिटेल में। आई होप कि मेरा रात का काम जल्दी फ्री हो जाए, तो सुबह में जल्दी टाइम पर फ्री हो जाऊं। कल मिलता हूं मैं आपसे, इत्मीनान से बात करते हैं। आप अपने कमेंट कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे, ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ये चैनल की बायस्ड बिहेवियर के ऊपर आपको क्या कहना है, भर भर के कमेंट कीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।